नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे इल इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी का क्या नुकसान है जो है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। आज इस बारे में हम बात करेंगे आपसे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं कि जो है कि पिछले 10 से 15 साल में टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है, ठीक है। मेनली मैं आज बात करूँगा सोशल लाइफ के ऊपर, मतलब जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स आई हैं, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा है बच्चों पर, बड़ों पर, उनकी लाइफ पर, उस बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। मैं पिछले 10 साल में फेसबुक, व्हाट्सएप, न जाने कितने तरीके की सोशल वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस मार्केट में आ चुके हैं। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, उन पर काम करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। बट क्या आपको पता है कि उससे क्या इफेक्ट पड़ता है लोगों पर, या क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर? तो दोस्तों, पहला इफेक्ट जो है इसका है आइसोलेशन। आजकल लोग फेसबुक, व्हाट्सएप की वजह से अकेला रहना पसंद करते हैं। वो चाहते नहीं कि देखिए हम ग्रुप में रहें, हम दोस्तों के बीच में रहें। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक पर उनको सब चीज़ मिल जाती है जो उनके अकेलेपन को दूर करती है, ठीक है। लेकिन वो उनकी गलतफहमी है। वो न जाने किस किस चीज़ों में मतलब उलझे रहते हैं, ठीक है, जो वो चीज़ चाहते भी नहीं है, वो चीज़ फेसबुक पर, उस चीज़ में भी फेसबुक पर इन्वॉल्व रहते हैं। और अपने भाई से, अपने बहन से, अपने बड़ों से, पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं वो, ठीक है, चिड़चिड़े होते जा रहे हैं कि देखिए उनके पास बैठना ही पसंद नहीं करते, उनसे बात करना पसंद नहीं करते। या माना पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को ये कि आप क्या कर रहे हो फेसबुक, तो जब वो जो है मतलब परेशान हो जाते हैं, मतलब उनको फिर बुरा लगता है इस चीज़ को लेके। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ मान लिया है, जो कि गलत है, ठीक है। तो दूसरा इफेक्ट हम जो इसमें है वो देखते हैं, दैट इज़ लैक ऑफ सोशल स्किल्स। दोस्तों, आजकल के बच्चे जानते नहीं कि देखिए हमें कैसे बात करनी है दोस्त से, कैसे बात करनी है दोस्त से, क्योंकि वो बात करते ही नहीं, वो अकेले रहते हैं। आजकल हम जानते हैं कि जो है पहले क्या था कि पहले फैमिलीज मिलके रहती थी, चाचा, ताऊ, दादी, दादा साथ में रहते थे। आजकल क्या है कि सिटीज़ में क्या है, लोग अकेले रहते हैं, बस पेरेंट्स और उनके बच्चे हैं। और इतनी छोटी फैमिली में भी बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स से बात नहीं करते। वो फेसबुक पे फ्रेंड्स ढूंढते हैं, फेसबुक पे दोस्त ढूंढते हैं, उनसे बात करते हैं, ठीक है ना। पेरेंट्स कुछ बात कहते हैं तो वो सोचते हैं कि वो मतलब उनके हित में नहीं कह रहे, उनके भले में बात नहीं कह रहे हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं मानते। और वो ये नहीं सीखते कि देखिए आखिर हमें बड़ों से बात कैसे करनी है, हम बाहर जाएँ तो जो है हमें कोई मिलता है उसे कैसे रिस्पेक्ट देनी, कैसे रिस्पेक्ट नहीं देनी, क्योंकि फेसबुक पे ये चीज़ नहीं सिखाते थे, ठीक है ना। जब तक कि आप लोगों से मिलेंगे नहीं, आप जानेंगे नहीं कि आपकी फैमिली में कौन है, कौन रिलेशन है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किससे कैसे बात करनी है, ठीक है, हम जानेंगे नहीं तो जो हम हमारा जो सोशल बिहेवियर है, सोशल स्किल्स हैं, वो ख़राब हो जाएंगी आने वाले टाइम में। हम डरेंगे, लोगों के पास बैठने में डरेंगे हम, या हमें शर्म आएगी जो गैदरिंग में जाने में। जो आजकल के बच्चों में आपने देखा भी होगा कि उनसे कहो आज शादी है तुम्हारे मामा के लड़ने की, चलना है क्या? तो बच्चे बोलते हैं नहीं मम्मी, मेरा मन नहीं कर रहा। मन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो डरता है कि देखिए कहीं उनसे कोई बात ना पूछ लिया, वो हम आ जाके क्या बात करेंगे। वो सहमे सहमे से डरे डरे से रहते हैं, ठीक है, गैदरिंग के बीच में। दूसरा है ओबेसिटी। दोस्तों, आजकल क्या है, जो यंग एज है या बच्चे हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक कंप्यूटर से बैठे रहते हैं, लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, मोबाइल पे बैठे रहते हैं, चेक करते रहते हैं फेसबुक को, व्हाट्सएप को, ठीक है ना, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं। तो उससे उनकी जो फिज़िकल एक्सरसाइज है वो होती ही नहीं, वो बैठे बैठे मोटे होते जा रहे हैं, ठीक है ना। वहीं बैठ के खाना भी है उनको, ठीक है, वहीं बैठ के सब कुछ काम करना है, मतलब बस उनकी निगाहें फेसबुक से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से हटना है, ठीक है दोस्तों। इससे उनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम उनको मतलब फेस करनी पड़ रही है। क्यों? जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक्चुअली हमारी बॉडी भी एक मशीन ही है, जब तक हम उसको मूव नहीं कराएंगे तो वो मशीन सही से वर्क नहीं करेगी। और अगर मशीन सही से वर्क नहीं करेगी तो आपकी बॉडी का पूरा काम ठप हो जाएगा, सही से वर्क नहीं करेगा, और डिफरेंट टाइप की डिजीज़ आपको हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ डिप्रेशन। दोस्तों, बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं हमारी लाइफ में जिसका सोल्यूशन बड़ों के पास ही होता है, या बड़े भाई बहन के पास या फ्रेंड्स के पास होता है। लेकिन अगर हम उनको ढूंढे नेट पर तो हमें समझ नहीं आता कि आखिर सही सोल्यूशन क्या है, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत चीज़ पड़ी होती है। हम एक टॉपिक को सर्च करें तो उसके बारे में हमें लाखों चीज़, करोड़ों चीज़ मिल जाएंगी, हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है ना, हमें मालूम नहीं होगी कि हम कौन सा रास्ता पकड़ें, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बड़ों से पूछ लेंगे उस चीज़ को,
वो चीज़ें वो फेस कर चुके होते हैं, उस चीज़ से वो गुजर चुके होते हैं, उनको मालूम होता है कि सही रास्ता क्या है, बट हम पूछते नहीं हैं। तो उससे क्या होता है कि देखिए जो प्रॉब्लम हमें होते हैं उसमें घिरते चले जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। या कोई हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, माना स्कूल में टीचर ने डांट दिया, या किसी दोस्त से हमारी लड़ाई हो गई है, या पेरेंट्स से कुछ कह दिया, हम डिस्कस नहीं करते, हम क्योंकि हमारी सोशल स्किल डेवलप हुई नहीं है, हम बात नहीं करते, हम फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इन पे जाके फिर बिजी हो जाते हैं, जबकि हमारे माइंड में जो प्रॉब्लम है वो ऐसी बनी रहती है और वो डिप्रेशन का रूप लेके बहुत ही भयानक डिजीज़ बन जाती है। फिर हम पिल्स लेते हैं, दवाई लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं चलता। दोस्तों इसलिए जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करिए, लेकिन इतना भी यूज़ तो मत हो जाइए कि जो कि वो आपके हेल्थ के लिए जो है खतरनाक साबित हो जाए, आपकी लाइफ के लिए वो खतरा साबित हो जाए, ठीक है दोस्तों। दूसरा है कि जो कि स्ट्रेस, आजकल जो है आप देखते होंगे कि जो कि हर युवा, हर बच्चा स्ट्रेस से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब वो ठीक से सोएगा नहीं, सही टाइम पे उठेगा नहीं, सही टाइम पे खाना नहीं खाएगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, वर्कआउट नहीं करेगा, तो वो स्ट्रेस में रहेगा। क्योंकि दोस्तों जो माइंड है वो भी एक मशीन है और उसका जो फंक्शनिंग है वो डिपेंड करता है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के ऊपर। अगर हमारी बॉडी एक्टिव है तो हमारा माइंड भी एक्टिव होगा, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी एक्टिव नहीं रखते हम जब पूरे दिन बैठे रहते हैं सिस्टम पर, कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप पर, और जो यूट्यूब पर वीडियोज़ देखते हैं, गंदी वीडियोज़ भी देखते हैं, अच्छी वीडियोज़ भी देखते हैं, हमारी आँखें ख़राब हो रही हैं उससे दोस्तों, ठीक है ना। जो हमारी बीन्स हैं उन पर इफेक्ट पड़ रहा है, जो हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है उस पर इफेक्ट पड़ता है, हम इस चीज़ को जान नहीं पाते और इसका इफेक्ट पड़ता है सीधा माइंड पर, उससे हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होता है कि देखिए हम सोचते हैं कि अरे मेरे हेडेक क्यों हो रहा है, हम परेशान रहते हैं, ठीक है ना, पूरे दिन हमारे हेडेक होता रहता है, हम ये नहीं सोचते कि देखिए हो रहा है क्यों, क्योंकि हम सिस्टम पर बैठे हैं सुबह से लेकर रात तक, ठीक है ना। हम बेवजह की वीडियोज़ देख रहे हैं, हम लोगों से बात नहीं कर रहे, हम खुले अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं घूम रहे जहाँ अच्छी हवा आती है, ठीक है ना। हम अपने माइंड को शांत नहीं रख रहे, हम मेडिटेट नहीं कर रहे। तो दोस्तों जैसे जैसे जो है खाने में नमक ज़रूरी होता है, ठीक है, रोटी के साथ सब्जी ज़रूरी होती है, ऐसे ही जो है टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, बट जो मेन लाइफ के मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट, और बड़ों से बात करना, बड़ों के बीच में बैठना, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी युवा के लिए, किसी बच्चे के लिए, अगर आपको अपना ओवरऑल ग्रोथ करना है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, बट उसका उसके यूज़ टू मत होइए दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप यूज़ टू होंगे तो दोस्तों आप इन फ्यूचर आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है ये, ठीक है ना। आप मतलब सबसे अलग हो जाएंगे, सबसे कट जाएंगे, और दोस्तों इससे आपका रिलेशन जो है अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से और अपने सोसाइटी से बहुत ख़राब हो जाएगा, जिससे आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज भी दोस्तों वही लोग सफल हैं जो सोशली इन्वॉल्व हैं, जो लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे अपनी बात शेयर करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। दोस्तों इसी से ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ठीक है ना। फेसबुक, व्हाट्सएप सब चीज़ सही है, लेकिन उनको उतना यूज़ करिए जितना कि नीड है, ठीक है। हर चीज़ में इस चीज़ का, हर रिलेशन में इस चीज़ का यूज़ मत करिए। जो रिलेशन आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत घने हैं, उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं, उसमें दोस्तों आपकी बात, बहुत से लोग होते हैं आपकी आवाज़ को तरसते हैं, आपके हैंडशेक को तरसते हैं, आपके गले मिलने को तरसते हैं। तो जहाँ पर गला मिलना ज़रूरी है वहाँ पे गले मिलिए, जहाँ पे हाथ मिलाना ज़रूरी है वहाँ हाथ मिलाइए, जहाँ पैर छूना ज़रूरी है वहाँ पैर छूइए बड़ों के, ठीक है ना। जहाँ पे बच्चों को प्यार करना है बच्चों को प्यार करिए, ठीक है, सब चीज़ ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, लेकिन प्रॉपर यूज़ करिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।